एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अबोलीस फैशन वर्क। आज की इस वीडियो में हम एक डिज़ाइनर स्लीव देखेंगे जो मैंने मेरे जो लास्ट का वीडियो था उसको मैचिंग करते हुए यहाँ पे मैंने बनाई है। तो आज इसकी कटिंग और स्टिचिंग हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ये डिज़ाइन बहुत ही क्यूट बनता है और इसे वाटर ड्रॉप स्लीव्स भी नाम से जाने जाते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम वाटर ड्रॉप नेकलाइन बनाया था उसी को मैच करते हुए यहाँ पे मैंने वाटर ड्रॉप स्लीव्स बनाई है। तो चलिए इसके कटिंग को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे कैनवास लगेगा, कैनवास यानी कि पेपर कैनवास जो हम गले के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने दो स्क्वायर लिए हैं जिसकी विड्थ और लेंथ 4 तक है। अप्रॉक्सीमेटली 4 लेना, उससे कम मत लेना। ऐसे 4x4 के मैंने यहाँ पे दो स्क्वायर्स लिए हैं। अब उसके सेंटर में हम एक इस तरह से फोल्ड करके लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे वाटर ड्रॉप बनाना है। तो सेम नेक की तरह फर्स्ट थोड़ा सा हम यहाँ पे आधा इंच तक डिस्टेंस रखेंगे और उसके बाद 3 इंच का एक मार्किंग करेंगे क्योंकि हमारा जो वाटर ड्रॉप का लेंथ है वो 3 इंच का है। और इस तरह से विड्थ हमें 1.5 इंचेस लेनी है यानी कि 1.5। और यहाँ पर एक लाइन मार के लेनी है हमें। अब यहाँ पे हमें वाटर ड्रॉप यानी कि हाफ वाटर ड्रॉप यहाँ पे ड्रॉ करके लेना है और उसे ट्रेस करते हुए हमें पूरा वाटर ड्रॉप यहाँ पे निकाल के लेना है। ये बहुत ही आसान होता है, अगर आप नए हो तो भी आप ये बना सकते हो। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस तरह से यहाँ पे हमारा पूरा वाटर ड्रॉप कंप्लीट हो चुका है। अब यही पूरा वाटर ड्रॉप सेम ड्रॉन के लिए हम यहाँ पे सिर्फ ट्रेस करके लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा जो शेप है वो सेम टू सेम आ गया, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं हुआ। अब उसके बाजू से आधा आधा इंच छोड़ के एक मार्जिन बना लेंगे जैसा कि हम गले के लिए बनाते हैं। अब ये दोनों को मिलाते हुए हाफ हाफ फोल्डर करते हुए यहाँ पे हम एक साथ कट कर लेंगे ताकि कुछ कम ज़्यादा ना हो पाए। अब हमें फैब्रिक के 2 टुकड़े यहाँ पे लेने हैं, इसे मैंने नॉच करके लिया है और इसे फोल्ड करके हम इसे फिक्स करेंगे दोनों को कैनवास के साथ। यहाँ फोल्ड होने के बाद बीच में हमें इसे स्टिच करना है, लेकिन उससे पहले हमें इसे मार्क करके लेना है हमारे स्लीव्स पे। सेंटर को सेंटर मिलाते हुए हमें यहाँ पे एक स्टिच लगानी है और जो हमने शेप बनाया है उसके ऊपर भी हमें यहाँ पे स्टिच करके लेनी है। इस तरह ये हमारा सेंटर और ये हमारा शेप। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 1 इंच या आधा इंच का मार्जिन छोड़ा है, उसे ज़्यादा मत छोड़ना। अब सेंटर को कट करते हुए हमें यहाँ पे जो एक्स्ट्रा का कैनवास है वो पूरा कट करके लेना है। साथ ही साथ जो 1/2 इंच का हमने अंदर की तरफ मार्जिन छोड़ा था उसे नॉचेस भी करके लेने हैं यहाँ पे ताकि हम इसे आसानी से फोल्ड कर सकें। और यहाँ पे ये हो गए हमारे नॉचेस। अब सिर्फ ये जो हमारा फैब्रिक है उसे हमें अंदर की ओर लेना है। मेरे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी।
जब भी आप फैब्रिक अंदर की ओर लोगे तो धीरे धीरे हल्के हाथों से लेना ताकि ये अच्छी तरह से बैठ सके। आप चाहो तो इस पे सिर्फ एक स्टिच लगा के ले सकते हो, लेकिन आपने लेस लगाई तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। यहाँ पे देखिए ये कितना खूबसूरत बन के रेडी हो चुका है। आप इतना भी रख सकते हो, लेकिन अगर आपने इसके साथ एक लटकन भी लगाया छोटा सा क्यूट वाला तो ये बहुत 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 क्यूट दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लटकन भी बनाया है, और ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो अपने स्लीव्स पे। तो यहाँ पे मेरा ये डिज़ाइनर वाला वाटर ड्रॉप का स्लीव्स बन के रेडी हो चुका है। आपको आज का ये वीडियो कैसे लगा ये मुझे ज़रूर बताइए, और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका थैंक यू।